Hey guys, I'm Lokesh Khutal again with a brand new video. और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेम के बारे में, जो है PUBG. इससे ज़्यादा खतरनाक कोई गेम हो सकता है? क्यों ये इतना खतरनाक है और क्यों ये बैन हो जाना चाहिए इंडिया में? So without wasting time, let's get started. PUBG या PUBG, ये देवता है, ये कोई सा गेम है? ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है यार, ये किसी ने भी खेला होगा. वेल मैंने एक ये पहले एक और वीडियो में बोला जो थी PUBG की ट्रिक्स और टिप्स, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, वो इस साइड है या इस साइड है, दोनों साइड कर देता हूँ, जहां भी आ जाए देख लेना. उसमें मैंने ये बोला था कि यार आप एक छोटे बच्चे से पूछ लो कि यार आपने अगर क्रिकेट खेला है तो 10 में से 10 बच्चे भले ही बोल देंगे यार क्रिकेट नहीं खेला है, या एक बच्चा ही बोल देगा कि क्रिकेट नहीं खेला है. बट जब बात आती है PUBG की, नो 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 नो, PUBG अगर उसने नहीं खेला है तो ये हो ही नहीं सकता. लाइक 10 में से 10 बार बच्चे बोलेंगे कि यार PUBG, अबे कैसी बात कर रहा है, मैं डायमंड पे हूँ और मैंने PUBG नहीं खेला है. वेल ये गेम बहुत ही एंटरटेनिंग है और हम कभी भी टेक टाइम पास करने के लिए पर्टिकुलर गेम खेलते हैं, बट साथ ही में ये एंटरटेनिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा ही घुस रहे हैं, क्योंकि इसमें ना यार बहुत सारे रिवॉर्ड्स लाइक चीज़ें हैं जो आपको लाइक अंदर घुसा रही है गेम. क्योंकि यार देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि यार PUBG में आप अपने आप को 10 चाटे मारो, हैं नहीं नहीं, अगर आपको कोई बोल दे कि यार पोचिंग की एक जगह है, वेल अगर आपको नहीं पता कि पोचिंग की कैसी जगह है, एक बार उतर के देख लो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. PUBG में आपको बोल दे कि 3 बार पोचिंग की भी बिल्डिंग पे उतरो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? लिटरली आप सोचोगे यार नहीं जाना, वो जगह पे नहीं जाना, पर आपका दिल जरूर बोलेगा कि जा बेटा जा, 3 बार जाना है, बस 3 बार आपकी आरपी बढ़ जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा भले ही, फिर भी आपकी आरपी बढ़ेगी और आप जाने की सोचोगे. और वो दिल की आप सुनते हो, आप मन की सुनते हो और आप जाते हो उस पर्टिकुलर जगह पे और वहाँ पे जाके मस्ती मटर गस्ती करते हो और वहाँ पे आप जल्दी मर जाते हो. बट उसके बाद भी आप सोचते हो कि यार हाँ मुझे एक और बार जाना चाहिए, आप एक और बार जाते हो, फिर उसके बाद एक और बार जाना चाहिए. तो ये करते 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 आप 5 से 6 बार ये चीज़ें कर लेते हो और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको PUBG के मायावी जाल में फंस चुके हो. ये मायावी जाल ऐसे ही बिछता है. वेल फर्स्ट टाइम जब मैंने PUBG खेला था, आई डेंट लाइक इट, क्योंकि मैं बार बार मर रहा था. बट मैंने सोचा यार कि यार PUBG में इतना मर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करके मैं जिंदा भी रहूँगा. धीरे धीरे करके मैं खेलने लगा और उसमें एडिक्टेड होते गया. बट नाउ आई एम जस्ट बढ़ रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं खेलो उस गेम को. बट क्या करें यार, दिल है मानता नहीं. दिल है के मानता नहीं. वेल PUBG एक दारू की तरह है, जब आप एक बार पी लेते हो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कभी नहीं देखोगे उस चीज़ को. अगर आप एक बार पी लेते हो तो उसके बाद आप पीते ही जाओगे. और सेम लाइक PUBG में होता है, आप एक बार खेलोगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप खेलोगे. मतलब ये तो दारू से भी खतरनाक चीज़ है यार. चलो यार अब सीरियसली बात करते हैं. PUBG में एक और बहुत बड़ा केस आया था कि एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा गेम खेल रहा था वो, और उसने LKTech को सब्सक्राइब नहीं किया था तो उसे बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ गए थे. तो अगर आपको सेम चीज़ नहीं करनी है तो डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा देना. वेल यार मजाक बहुत हो गया. वेल ये एक्चुअल केस था जिसमें एक बच्चा था, वो दिन रात PUBG खेलता था, बट उसके मम्मी पापा को नहीं पता था. वो कम्बल ओढ़ लेता था, वो दूसरी चीज़ें नहीं करता था, बट वो PUBG खेलता था. PUBG खेलता था, उसको डार्क सर्कल्स हो गए. उसकी मम्मी और पापा ने सोचा यार ये बच्चा तो बीमार हो चुका है. वो डॉक्टर के पास ले गए, ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बट वो PUBG के चक्रव्यूह में फंस चुका था और वो उससे बाहर नहीं आ पाया. उसकी डेथ तो नहीं हुई, बट यार सोचो ना यार, अगर आपको डार्क सर्कल्स आ गए देन इट मीन्स यू आर टोटली अडिक्टेड टू दैट गेम. और अगर आप लाइक क्या सोच क्या रहे हो, जाओ और अभी ही जाके अनइंस्टॉल कर दो. वेल पता है ये अनइंस्टॉल वाली बात के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे चल, बट यार ये रियलिटी है. अगर आपको थोड़ा भी करियर में बढ़ना है या कुछ कुछ चीज़ करनी है अपने आप से, तो यार डेफिनेटली ये गेम अनइंस्टॉल करो, या फिर आप इस पर एक थोड़ी सी तो लिमिटेशन लगा के रखो कि यार एक बार मैं एक ही मैच खेलूंगा या एक बार मैं 2 मैच खेलूंगा. डेफिनेटली वो सारी चीज़ें करो यार, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो डेफिनेटली आप उससे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे और आपके एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा वो पर्टिकुलर गेम. और ऐसी चीज़ अभी हुई है इन चाइना, PUBG बैन हो चुका है. वेल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीज़न दिया कि ये PUBG क्यों बैन कर रहे हैं.
पबजी में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जो बहुत सारे यंगस्टर्स को लीड कर रही है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, और बहुत सारे यंगस्टर ना उस पर्टिकुलर गेम में बहुत ही ज़्यादा घुस चुके हैं, तो इसीलिए वो लाइक इतना नहीं घुसे, इतना एडिक्टेड नहीं रहे, अपने करियर पे ध्यान दे, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया। और साथ ही में पबजी के साथ में एक और फेमस गेम है फोर्टनाइट, उसे भी वो बैन कर चुके हैं। अब आप सोच रहे हो यार इंडिया से ये क्या क्या ताल्लुक ही क्या है। वेल, इंडिया में भी एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मुझे तो नहीं पता, बट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी पबजी बैन कर दिया गया है। उस यूनिवर्सिटी में राइट, उस पर्टिकुलर रीजन में नहीं, उस यूनिवर्सिटी में बैन कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बंदे थे बहुत ही ज़्यादा पबजी खेल रहे थे, वाईफाई यूज़ कर रहे थे, स्कूल का वाईफाई का बिल बहुत आ रहा होगा, बट वाईफाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके उसे खेल रहे थे रात भर दिन भर, और फिर करियर के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, और इसीलिए उनके रिजल्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ। यार देख लो, आपको भी अगर अपने करियर के साथ नहीं खेलना है तो डेफिनेटली पबजी को जाके अनइंस्टॉल कर दो, या फिर थोड़ा सा लिमिटेशन लगाओ यार, डेफिनेटली। तो यार ये वीडियो शेयर कर दो डेफिनेटली जाके, और लाइक बटन भी दबा देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग माई चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज, सो आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर सपोर्ट, एंड आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।